सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सिमिटी स्विच से ऑन किस तरह किया जाता है एवं लिमिट स्विच से ऑफ किस तरह किया जाता है। आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, हमने इस मोटर स्टार्टर को एक लिमिट स्विच से ऑन किया था और दूसरे लिमिट स्विच से ऑफ किया था। आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं इस मोटर स्टार्टर को हम प्रॉक्सिमिटी स्विच से ऑन करेंगे एवं इस लिमिट स्विच से ऑफ करेंगे। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी, इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ आज की स्टूडियो में हम डिटेल में समझने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस मोटर स्टार्टर को एक प्रॉक्सिमिटी स्विच से ऑन करेंगे एवं दूसरे प्रॉक्सिमिटी स्विच से इसे ऑफ करेंगे। तो उसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसमें समझाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। फिर हमारे पास एक मशीन लगी हुई है, उसमें भी देखेंगे किस तरह ये वर्क कर रहा है। फिर इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और लास्ट में हम इसका कनेक्शन समझने वाले है। जैसे कि हमने बोला था, हमारे पास जो स्टार्टर है उसे हम प्रॉक्सिमिटी स्विच से ऑन करने वाले हैं और लिमिट स्विच से ऑफ करने वाले हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा तो हमारा मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा। मोटर स्टार्टर ऑन हो गया, अब हमारी मोटर यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी, यहां पे आ गई। जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा हमारी मोटर या स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। अब हमारे पास मैकेनिकली ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऑफ होने के बाद रिटर्न हमारी मोटर यहां से यहां पर आ जाए, यहां से यहां पर आएगी, अगेन हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा तो हमारी मोटर रन करने लगेगी और यहां से यहां पर आएगी। जैसे लिमिट स्विच लगेगा तो हमारी मोटर रन, रिटर्न हमारे पास मैकेनिकली सिस्टम होना चाहिए जो उसे यहां पर ले आए, फिर यहां से यहां पर वापस रिटर्न जाएगी। यदि आप चाहते हैं आपके पास इस तरह का मैकेनिकली सिस्टम नहीं है, आप इसे लगाए तो आपकी मोटर रन करे फॉरवर्ड में, जैसे ये लगे आपकी मोटर रन करे रिवर्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना होगा। तो उसका भी वीडियो हमने पहले ही अपलोड करके रखा है, तो आप वह देख लीजिए। चलिए अभी हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। हम एमसीबी को ऑन किया, हमने क्या कहा था, जैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा तो हमारी मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे इसके सामने हम मेटल लाएंगे सेंसर के, देखिए हमारा मोटर स्टार्टर ऑन हो गया है। अब ऑन कब तक रहेगा, जब तक इसे लिमिट स्विच ना कट जाए। हमारी मोटर सपोज यहां से यहां पर आ गई, जैसे लिमिट स्विच लगेगा तो हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। अब हमारा मैकेनिकल सिस्टम से वापस मोटर यहां पर आएगी, प्रॉक्सिमिटी स्विच लगते ही स्टार्टर ऑन हो जाएगा, लिमिट स्विच लगते ही ऑफ हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रॉक्सिमिटी स्विच से ऑन हो जाएगा और लिमिट स्विच से ऑफ हो जाएगा। चलिए हमारे पास एक मशीन में कनेक्शन करा हुआ है, किस तरह ये वर्क कर रहा है वह समझ लेते हैं। फिर हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे और फिर इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह समझ लेंगे। चलिए पहले हम उस मशीन में देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है। एक मशीन है जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, यह समझ लेते हैं। हमने ऑन करने के लिए प्रॉक्सिमिटी स्विच, ऑफ करने के लिए यह लिमिट स्विच यूज किया है एवं एक मोटर स्टार्टर से हम इस मोटर को रन कर रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली इसे किस तरह वर्क कर रहा है। जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा हमारी मोटर ने ऑन हो जाना चाहिए, अभी ऑफ कंडीशन में है। देखिए जैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा हमारी मोटर ऑन हो गई, ये ऑन कब तक रहेगी, जब तक लिमिट स्विच लगेगा। देखिए लिमिट स्विच लगा हमारी मोटर ऑफ हो गई, ये मैकेनिकल सिस्टम से ऊपर आ गई। जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा हमारी मोटर अगेन ऑन हो गई और लिमिट स्विच से ऑफ हो गई। चलिए इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम प्रैक्टिकली अभी समझ लेते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है, अब हम समझ लेते हैं इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक हमें एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होगी। एसएमपीएस की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है वो डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, तो इसके लिए हमें 24 वोल्ट डीसी देना होता है। तो एक एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्रॉक्सिमिटी स्विच की रिक्वायरमेंट होगी एवं एक 8 पिन या 11 पिन या 14 पिन आपके पास जो भी एक रिले हो उस रिले एवं रिले बेस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि डीसी पे वर्क करता हो, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी स्विच से यह ऑपरेट होगा। तो आपको एक डीसी रिले की रिक्वायरमेंट होगी जो कि 8 पिन का भी हो सकता है, 11 पिन का भी हो सकता है और 14 पिन का भी हो सकता है। इसके बाद देखा जाता है कि लिमिट स्विच की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आपका स्टार्टर ऑफ होगा, और इसके अलावा मोटर स्टार्टर में ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी।
तो चलिए कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम रिले के बारे में पहले समझ लेते हैं। वैसे तो हमने रिले के ऊपर वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए रिले में समझा जाए। तो सबसे पहले इसमें 8 टर्मिनल दिए गए हैं, जिसमें ये 2 नंबर और 7 नंबर क्या है इसकी कॉइल है, जिसमें हमें सप्लाई देना होती है। तो यह है कॉइल है। इसके अलावा देखा जाए तो यह है 1 नंबर और 8 नंबर क्या है कॉमन पॉइंट है। यह कॉमन पॉइंट है, दो कॉमन पॉइंट है। अब क्या है, एक के साथ 4 नंबर जो है यह एनसी है और एक के साथ 3 देखा जाए तो यह एनओ है। हमें जनरली एनओ की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो होगा एक के लिए। अब 8 के लिए क्या है, 8 के साथ 5 नंबर एनसी है और 8 के साथ 6 नंबर एनओ है, तो हमें एनओ की रिक्वायरमेंट है। तो 8 के साथ 6 एनओ है और 1 के साथ 3 एनओ है। चलिए यह इसमें भी दिया गया है, यही स्ट्रक्चर दिया गया है। यदि आपने रिले की वर्किंग के बारे में देखना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए अब बात आती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारे पास क्या है, पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। आप यहां पर देख सकते हैं पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारे पास है। थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं। पीएनपी टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जिसकी रेंज 8 mm है। इसमें 4 वायर दिए गए हैं। बेसिकली क्या, कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो उसमें जो रेड वाला वायर होता है, रेड वाला जनरली प्लस का होता है, जो कि ब्राउन होता है, ब्राउन पे हमें प्लस देना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा ब्लू देखा जाए तो ब्लू में माइनस देना होता है, BU आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, ब्लू में माइनस देना होता है। ब्लैक इसका आउटपुट होता है। जो हमारे पास ये सेंसर में 3 वायर दिए गए हैं जिसमें हमने कनेक्शन किया है, वो अभी देख लेते हैं। चलिए ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ब्राउन क्या है प्लस, ब्लू क्या है माइनस और ब्लैक इसका आउटपुट है, जो कि पीएनपी है तो यहां से प्लस 24 वोल्ट निकलेगा इससे। देखिए पीएनपी है तो प्लस निकलेगा इससे 24 वोल्ट। चलिए सेंसर के बाद हम देख लेते हैं लिमिट स्विच में। तो लिमिट स्विच में यहां पे आप देख सकते हैं यह एनसी पॉइंट है जो हमने यूज किया है, एनसी पॉइंट यूज किया है, एनओ पॉइंट को यूज नहीं किया है। चलिए अब कनेक्शन किस तरह किया है वह समझ लेते हैं। चलिए कनेक्शन समझ ले। कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और जहां भी डाउट्स हो तो उसे पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे कि हमारे पास जो SMPS है इसमें हमें 220 वोल्ट पहले देना होता है। तो 220 वोल्ट हमारे MCB में आया, यहां से हमने क्या किया, एक फेज और एक न्यूट्रल SMPS में दिया सबसे पहले। अब यहां से SMPS में 220 देने के बाद हमें यहां पे मिलेगा प्लस और माइनस, आप देख सकते हैं। तो यहां पे हमें मिलेगा प्लस और यहां पे मिलेगा माइनस, जो कि 24 वोल्ट है। चलिए अब हमने क्या करना है, इसकी बात कंट्रोलिंग किस तरह होगी यह समझने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है उसमें हमने न्यूट्रल यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने उसमें फेज नहीं दिया, जस्ट न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट दिया है। चलिए न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में दे दिया। अब हमारे पास जो ये रिले है 24 वोल्ट DC है। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे ही 24 वोल्ट आएगा तो यह ऑपरेट होगा। तो हमने क्या किया, इसमें जो नेगेटिव है वह इसकी कॉइल में पहले ही कनेक्ट कर दिया है, जो कि 7 नंबर है। 7 नंबर में हमने नेगेटिव यहां पे डायरेक्ट दे दिया। चलिए नेगेटिव हमारा यहां हो गया। अब हमें नेगेटिव कहां पे देना है, इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर में, जो कि इसका ब्लू वाला जो पॉइंट है वह नेगेटिव का है। तो हमने यहीं से एक और वायर लिया, आप देख सकते हैं यहीं से एक और वायर लिया और इसे हमने ब्लू वाले वायर में कनेक्ट कर दिया। चलिए हमारी नेगेटिव की और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हुई। क्या किया, सबसे पहले हमने न्यूट्रल दिया कॉन्टेक्टर में, उसके बाद यहां से जो नेगेटिव आया SMPS का वह दिया हमने इस रिले के पॉइंट, रिले की कॉइल में, और यहां से हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर में नेगेटिव दे दिया है। चलिए अब हम आगे की कंट्रोलिंग समझते, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। जो प्लस आया है SMPS से उसे हमने क्या किया है, इस लिमिट स्विच के एनसी में दिया है, आप देख सकते हैं यह लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है और एनसी के दूसरे टर्मिनल से, दैट मींस प्लस जो है यहां से कंटिन्यू एनसी से निकलते रहेगा। और यह हमने होल्ड डाउन के लिए, जस्ट हमें इस रिले को होल्ड भी तो करना है, तो होल्ड डाउन के लिए जो इसका एनओ वाला पॉइंट है, जो कि क्या है, एक नंबर के साथ 3 नंबर एनओ पॉइंट है, तो हम जिस तरह कॉन्टेक्टर में होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह हमने इस रिले में होल्ड डाउन के लिए यहां पे जस्ट कंटिन्यू सप्लाई आती रहे 3 नंबर में एनओ में दिया है। क्या किया है, जो SMPS से प्लस आया उसे हमने लिमिट स्विच के एनसी से घुमाते हुए होल्ड डाउन के लिए यहां पे सप्लाई दे दी है। क्यों दी है यह भी हम समझेंगे। अभी हमने क्या किया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में नेगेटिव दिया है
और यहीं से हम चाहे तो यहीं से डायरेक्ट उसे पॉजिटिव भी दे सकते हैं, बट हमने इस लिमिट स्विच से एक वायर कनेक्ट किया है एनसी के इनपुट से, और यहाँ पे हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जो ब्लू वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से हमने एक वायर कनेक्ट किया है और इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के प्लस में दे दिया है। दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर में प्लस और माइनस दोनों आ चुके हैं। अभी इसका आउटपुट जो है वो ब्लैक वाला है, वो ये ऑपरेट होने के बाद 24 वोल्ट कहाँ जा रहा है ये समझ लेते हैं। तो कनेक्शन यदि थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट हुआ तो यहां से हमारे जो प्लस सप्लाई निकलेगी वह जाके हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया और इसे ले जाके रिले की कॉइल में दे दिया है। देखिए, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगेगा तो क्या होगा, यहां से आउटपुट जाके यहाँ पे आएगा प्लस, और नेगेटिव तो हमने डायरेक्ट देके रखा है, तो हमारा रिले ऑपरेट होगा। रिले कितनी देर के लिए ऑपरेट होगा, जितनी देर के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है जस्ट उतनी देर के लिए। अब हमें इसमें होल्ड डाउन देना होगा ताकि एक बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर लग जाए तो हमारा रिले परमानेंटली ऑन हो। तो परमानेंटली ऑन किस तरह होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से होल्ड डाउन यहाँ पे दे दिया। अब जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक लूपिंग कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे होल्ड डाउन सप्लाई देते, तो होल्ड डाउन सप्लाई हमने यहाँ पे दे दी है, यहाँ से इसके कॉमन में हमने एक लूपिंग कनेक्ट की है। देखिए आप, यहाँ से यहाँ पे हमने एक लूपिंग कनेक्ट की है ताकि इसे होल्ड डाउन मिल जाए। अब क्या होगा, जैसे ही एक बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा, यहाँ पे नेगेटिव तो पहले ही आ रहा, प्लस यहाँ पे आएगा, रिले ऑपरेट हुआ, रिले ऑपरेट हुआ तो यहाँ से यहाँ पे इसके कॉमन में सप्लाई आएगी और यहाँ से इसे होल्ड डाउन मिल जाएगा, तो हमारा रिले परमानेंटली ऑन हो जाएगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ समझने वाली बात है। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा तो रिले में सप्लाई है, रिले से यहाँ से कॉमन में और यहाँ पे इसे होल्ड डाउन मिल गया, रिले परमानेंटली होल्ड हो गया। चलिए, यह तो हुआ रिले परमानेंटली होल्ड होगा, पर कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट हुआ यह समझ लेते हैं। अब चूंकि कॉन्टेक्टर हमारा 220 वोल्ट का है तो हमने न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे दिया है। अब हमने क्या किया, फेज यहाँ पे लाए हम, देखिए आप फेज यहाँ पे लाए और तीन नंबर जो इसका एट नंबर वाला पॉइंट है, एट नंबर वाला पॉइंट जैसे कि हमने देखा था, एट नंबर क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे एट नंबर कॉमन है और एट के साथ सिक्स क्या है, एनो पॉइंट है। जैसे रिले ऑपरेट होगा तो सिक्स से सप्लाई निकलेगी, तो यहाँ से एट में हमने यहाँ पे दे दिया और सिक्स नंबर से हमने यहाँ पे निकाला जो कि इसका एनो पॉइंट है, और इससे ले जाके हमने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया है। तो जैसे ही रिले ऑपरेट हुआ यहाँ से इसे होल्ड डाउन मिल जाएगा, रिले होल्ड होगा, रिले होल्ड होने के बाद क्या होगा, जैसे ही रिले होल्ड हुआ तो यहाँ से जो एट की सप्लाई वो सिक्स से निकल के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, अब यहाँ पे यदि ये बिगिनर्स के लिए है जिसे थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग का नॉलेज है वो तो आसानी से समझ जाएगा। चलिए, ये तो स्टार्ट की प्रोसेस हुई। स्टार्ट की प्रोसेस कैसे हुई, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा, रिले होल्ड यहाँ से सप्लाई जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया। अब इसे ऑफ भी करना है, ऑफ करने के लिए क्या किया, जिस तरह हमने क्या किया, होल्ड डाउन की सप्लाई कहाँ से लिया है, इस लिमिट स्विच के एनसी से, लिमिट स्विच के एनसी से। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा तो इसका एनसी क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। एनसी एनओ जैसे ही होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो इसकी होल्ड डाउन सप्लाई है वह कट जाएगी। होल्ड डाउन सप्लाई कट गई तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, रिले ऑफ तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ और हमारी मशीन बंद हो जाएगी। अगेन जैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी स्विच लगते रिले होल्ड होगा, यहाँ से जो सप्लाई है वो यहाँ से जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। फिर जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा अगेन ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और इसी तरह ये वर्क करेगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इसे वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपको सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार जस्ट हम समझ लेते, सबसे पहले हमने क्या किया, एसएमपीएस में सप्लाई दी, एसएमपीएस से सप्लाई निकालने के बाद क्या किया है, जो नेगेटिव है हमने यहाँ पे रिले की कॉइल में दिया, सेंसर में दिया। इसके बाद हमने प्लस का क्या किया, प्लस को हमने लिमिट स्विच के एनसी से घुमाया और यहाँ होल्ड डाउन के लिए दे दिया, और प्रॉक्सिमिटी स्विच का जो ब्लैक वाला वायर था जो कि आउटपुट था उससे हमने क्या किया, रिले को ऑपरेट किया और यहाँ से होल्डिंग के लिए एक नंबर में दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जो फेस था उसे हमने क्या किया, यहाँ से एट नंबर से गुजारते हुए छह से इसके एनओ से निकाला और रिले का ऑपरेट कर दिया। तो ऑन कैसे होगा हमारा, जैसे ये प्रॉक्सिमिटी स्विच लगे ऑन हो जाएगा और लिमिट स्विच लगेगा तो यहाँ से एनसी कट जाएगा और हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।